क्या होंगे, ये समझते हैं कि अवाम जो है बेवकूफ है। इस वक्त अवाम ने बड़ा जोर से बता दिया है निकल के, और पूरे पाकिस्तान में, एक जगह पे नहीं, पूरे पाकिस्तान में, खैबर से लेकर कराची तक हर सूबे में अवाम ने बताया और बड़ी जोर से बताया कि करप्शन हमें काबिले कबूल नहीं है। जो भी ये बंद कमरों में डीले कर रहे हैं, जिन्होंने भी इनके साथ डीले किए, इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है लोहे के चने बनने के वाली मोमेंट में दोबारा उस पर वापस जाके कि जी हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, तो नवाज शरीफ ये बता देगा तो नवाज शरीफ लड़ लेगा। नवाज शरीफ पे आके ये सारे कवानीन खत्म होने चाहिए, और जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा है, जो ये मनिया लगाते हैं 1988 से, छांगा मांगा से इन्होंने ये काम शुरू किया, आज तक चल रहा है, सिंध हाउस में ये चीजें रिपीट हुई, हमारे बच्चों का क्या यही मुस्तकबिल है कि या करप्शन चलती रहेगी और उसकी कीमत हम देते रहेंगे? हमारे बच्चों का यही मुस्तकबिल है कि 60% आबादी जो है वो करप्शन और गुर्बत की सतह से नीचे रहेगी? हमारे बच्चों का ये मुस्तकबिल है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे और इनके बच्चे वहां पर फिर तस्वीरें आती है जी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से वो निकल के आ गए और बड़ी कामयाबियां उनको मिल गई है? कहां से आता है ये पैसा? ये मेरा आपका अवाम का पैसा है जिस पे ये सारा खिलवाड़ खेलते हैं, बंद कमरों में ढीले करते हैं, इनके चेहरे जिस तरह बेनकाब हुए इस साजिश में नून लीग के, जो इन्होंने अपना बयानिया दफन किया, इनको अब पंजाब में भी जगह नहीं मिलेगी। और जरदारी साहब जो कल वहां पे बैठे हुए थे, सबसे ज्यादा खतरा ये कि सिंध में ये हालात ना बन जाए, तो सिंध के इंतखाबात से ये भागे, NA 245 से ये भागे, लोकल इलेक्शन से वहां पर भागे, किस लिए भागे? नजर आ रहा है कि वेव आई हुई है, पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त टोटली डिफरेंट मूड में, जो इस वक्त आपने मुल्क की मईशत का हाल कर दिया है कि जी हम तजर्बाकार टीम है, इस हाल 2016 में बात हो रही थी लैंड माइन लगा के गए, बड़ी मुश्किल से इकॉनमी आपकी हुई, अब वही बात होगी इमरान खान लैंड माइन लगा के गए, हम आपका बोझ उठा रहे, आप बोझ नहीं उठा रहे, आप अपने करप्शन के केसेस बचा रहे, आप अपना करप्शन का माल बचा रहे, दिखाई इसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस फादर साहब की थी, पता लगे कौन को के ये चेहरे हैं जो हमेशा समझते हैं कि आवाम बेवकूफ है, आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नया बयानिया बना लेंगे और बंद कमरों में बैठ के डीलें करते हैं अपने एनआरसी की। पहले इन्होंने डील की जन मुशरफ के दौर में और जमहूरियत के नारे दी, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया 2006 और इसके बाद ये नहीं होगा। हर वो गंदा काम इन्होंने सियासत में किया है जो आवाम को आके कहते हैं कि हम नहीं करेंगे और फिर वो हरकतें करते हैं।